हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजन ब्लॉग दिया शर्मा में। और यहाँ पर ही हम घर जा रहे हैं वापस। फाइनली भैया का ढाका हो चुका है अच्छे से, और बस अभी ट्रेन में है। और कल से रात से ट्रेन में थे, पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि रात पे ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं होता है और सबको डिस्टर्बेंस भी होगा, इसलिए मैंने किया नहीं। और अभी यहाँ पर ही हम पहुँच गए हैं बिलासपुर से आगे, और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं बाहर का व्यू, देखेंगे ना आप मेरे साथ। चलो हम जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो जरूर ट्रेन आ जाती है, और जैसे हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं वैसे ही नदी आ जाती है। ना एक ट्रेन गई तो दूसरी आ गई, ट्रेन ही पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा तो यहाँ पर ही ट्रेन ही पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम सोचे कि चलो अपनी तरफ ले लेते हैं कैमरा को, जिससे पहले कि और कोई दूसरा ट्रेन आ जाए। तो ये अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में ही हैं, तो ये जगह छत्तीसगढ़ पड़ेगा। सुंदर सा मंदिर है, कोई सा शायद गणेश, ये है ना गणपति बप्पा का हाथी सब बनाया हुआ स्टेचूज है, पुल है, इतनी काम सा जगह है ये, पर छत्तीसगढ़ है इतना कंफर्म है। बहुत दिन के बाद, मतलब हम दिन नहीं बोलेंगे साल बोलेंगे, क्योंकि हम जब हम 7 या 6 क्लास में थे ना तब हमको याद है, तब हम मेरी मासी के घर गए थे और अब हम अभी मासी के घर गए, यानी कि देखा जाए तो अच्छे खासा 10-15 साल तो हो गया होगा आराम से। तो इतना साल बाद हम वहाँ गए हैं, और वहाँ पर ही जब हम छोटे थे ना तब हम लोग 3 साल वहाँ रहे भी है, इसलिए फिर भैया है ना वहाँ पर जो मेरी मासी की जो बेटे हैं वो फिर हम लोग को वो वाला घर भी लेके गए थे जहाँ पे हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ दिखाए ये वाला घर था, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था मेरे को, मतलब हम ऐसे मतलब ब्लैंक हो गए थे कि यार घर तो इस साइड था, इस साइड कैसे हो गया इस तरह से। तो फिर भैया बोले नहीं इस साइड था ही, उनको पता नहीं है क्योंकि छोटी बहुत थी ना, तो हम बोले हाँ शायद होगा, मेरे को याद नहीं है सही से। और यहाँ पर ही अच्छा खासा निकल गया है, और यहाँ पर जिया भैया और मम्मी सोए हुए हैं। आई विल शो यू, यहाँ मम्मी सोई हुई है, वहाँ भैया सोया हुआ है। तो यहाँ पर बस अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर ही ट्रेन आ गई है चंपा स्टेशन में, आई विल शो यू। यहाँ का ना चट्टी और पकौड़ी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्वाद होता है यहाँ का। अभी दिन का समय है ना इसलिए पता नहीं मिलेगा शायद, लेकिन अभी मम्मी और भैया सोए हुए हैं तो हम कहीं जा नहीं सकते अभी। तो ये वाला स्टेशन है ये चंपा, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है उस तरह पर। तो हम यहाँ से ही आपको व्लॉगिंग करके दिखा सकते हैं। तो ये वो जगह है चंपा है, ये चंपा स्टेशन है ये। ट्रेन चल पड़ी है जी, yeah।
शो यू, ये वाला स्टेशन है सागरा। ये जो स्टेशन बन रहा था ना, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे चाचू को मिला था। तो उधर ना कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे ना मिस्त्री लोग, तो उनको देखने के लिए जाते थे जिया भैया और विक्की भैया, मतलब मेरे चाचा के बेटे हैं, वो दोनों जाते थे देखने के लिए, ये भैया और वो भैया। यहाँ पर ही काम चलता था सागरा स्टेशन में तो। और जब भी हम आप लोग से बात करते हैं ना, तो हमेशा ट्रेन पार हो जाती है, तो मेरे को पता नहीं आप लोगों को पता चला कि नहीं हम क्या बोलें। तो इसीलिए हम एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। हम बोल रहे थे कि ये जो सागरा स्टेशन है ना, जो अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था मेरे चाचू को, और उनके बेटे और जिया भैया दोनों मिल करके यहाँ आते थे, देखते थे कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं सब कुछ। तो ये जगह से हम लोग का अच्छा खासा जिया भैया लोग का याद जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बैग वैग रखा है मैंने, देखो अरे मैंने बैठ के अच्छे से और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब घर आए जल्दी से, और घर आए और उतरे और घर जाएं, क्योंकि थक गए ट्रेन में रह रहे कि 24 घंटा होने जा रहा है हम लोग ट्रेन में रह कर रहे के, और अब बस थक गए, अब घर जाना है। तो ये नदी है जिसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने झारखंड में आ गए हम लोग, और ये झारखंड की नदी आ गई है। देखो कितना सुंदर है ना, बहुत ही खूबसूरत उमदा, वाह लाजवाब डेल्टा बना हुआ है बीच बीच में। के लिए मुझको दीजिए इजाज़त, बाय, टेक केयर। तो सोम कैसा लग रहा है आपको? लाइन मम्मी हम खोल देते हैं, या ले 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 ले, खा छोड़ खा छोड़, बस सोम खा लिया।